प्रेज द लॉर्ड। मैं विलियम कोलिन आज आप लोग के बीच में एक अच्छा सा मसीह भजन को लेकर के आया हूँ, और गिटार में मैं बताऊंगा उसको किस प्रकार से रिदम हम बजा सकते हैं। बहुत ही एक जाना माना एक गीत है, मैं आपको यदि आपके सामने प्ले करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इस गीत को हम गिटार में कैसा रिदम बजा सकते हैं थोड़ा मैं आप लोग के बीच में ये बताना चाहता हूँ। और मैं देख रहा था ये गाना जी माइनर में बजाया जा रहा है, तो इसका रिदम यीशु के नाम में शिफा है इस तरह से, तो रिदम हम इस तरह से मारेंगे। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, शिफा है, शिफा है, एक कलाम में लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है, यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, शिफा है, शिफा है, एक कलाम में लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। तो ये जो गाना है बड़ी फास्ट जाती है, तो इसका जो रिदम हम गिटार में हम किस प्रकार से बजाएंगे तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। हालांकि इससे भी बेहतर और भी बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं जो बजा सकते हैं, लेकिन मैं आज जो लर्नर्स हैं उन लोग के बीच में इस प्रकार का जो पैटर्न होगा, इस प्रकार का जो गाना होगा, आप किस तरह से इस प्रकार के गाना को गिटार में आप प्ले कर सकते हो, खासतौर से रिदम। मैं आज ना लीड बता रहा हूँ ना कॉर्ड्स बता रहा हूँ, आज मैं रिदम बता रहा हूँ, स्ट्रमिंग पैटर्न इसको बता रहा हूँ किस तरह से आप इसको बजाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एफ से इसको खींच करके जी माइनर में लेकर के आ रहा हूँ इस तरह से, इस तरह से हिट तो मैं एफ में करता हूँ लेकिन खींच करके यहाँ पर लेकर के आता हूँ, देखिए इस तरह से। और यहां जब आता है ये जी जी माइनर बन जाता है, एफ तो एफ मेजर है, एफ मेजर को मारता हूं, मारता ही मैं ऐसा खींच लेता हूं और ये फिंगर यहां पर इस तरह से जो जी माइनर जिस तरह से हम पकड़ते हैं वैसा मैं पकड़ता हूं। तो हिट करना है यहां पर और खींचना है ऐसा, और एक बार इस प्रकार से देखिए, बहुत सुंदर सा ये पैटर्न है, इसको हमें सीखना है, इस तरह से खींच करके हमें बजाना है। और रिदम कैसा जाएगा, यहां से मार करके आएंगे और इसके बाद हम रिदम इसको मारेंगे, देखिए। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, शिफा है, शिफा है, एक कला में लिखा है, लिखा है, लिखा है, यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, शिफा है, शिफा है, एक कला में लिखा है, लिखा है, लिखा है। इस प्रकार से इसका एक पैटर्न है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें। थोड़ा सा मैं धीरे हल्का धीरे बजाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको ध्यान पूर्वक देखें, और ऐसा नहीं कि मैं पूरा परफेक्ट आपको बता दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा भी इस प्रकार का बीट को यदि आप याद करेंगे और जो लर्नर्स है उसको, जो जो बिगनर्स मेरे भाई बहन जो आप सीख रहे हैं गिटार, तो आप इस प्रकार के जो गीत है उसमें इस प्रकार का पैटर्न को जब आप लेकर के आएंगे और स्ट्रमिंग करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और इस पर इस प्रकार से बजा करके आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर हिट किया मैंने, एफ पकड़ा, हिट किया, खींचा,
जी माइनर में लेके आ गया, और एक बार इस प्रकार से फिर उसको मैं कंटिन्यू रिदम में लेके जा रहा हूं। और थोड़ा सा टेम्पो को हम फास्ट करेंगे और थोड़ा फास्ट कर देंगे और थोड़ा आगे अब इस तरह से जाएंगे। करता हूं मेरे सीखने वाले भाई बहन थोड़ा सा जरूर आप इस पैटर्न को पकड़ पाए होंगे, और भी यदि इसमें आगे हमें कुछ बताना है तो आप हमें कमेंट्स करें और इसको लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।